हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो क्या पढ़ा था हमने अभी लास्ट क्लास में? डायरेक्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, नेचर पढ़े थे, और इम्पोर्टेंस थी। ये तीन चीजें कवर करी थी। हाँ, और नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब आज की क्लास के लिए मैं ला रहा हूं एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव। मैं ला रहा था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव, ठीक है? हाँ सर। तो हम आज की क्लास शुरू करने से पहले, जो हम हर बार करते हैं, रिवीजन बताइए। रिवीजन 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 बताइए। डायरेक्ट डेफिनेशन में आपने डायरेक्टिंग की क्या सीखा था? सर हमने सीखा था डायरेक्टिंग मींस, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोलो। देखो, हमें रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन से हमें खाना भी क्या पता था। डायरेक्टिंग मींस टेलिंग द एम्प्लॉई व्हाट टू डू एंड सीइंग देम दैट दे डू इट टू देयर बेस्ट। ठीक है, यही थी। डायरेक्टिंग मीन्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग देम दैट दे डू इट टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक, डेफिनेशन याद है आपको? हाँ सर, बताइए। हमें याद है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद तो अभी याद कर लो, अभी समय गया थोड़ी। आओ जरूर एक बार और दिखा दूं। डायरेक्टिंग मीन्स लोगों को बताना कि करना क्या है, और उसके बाद देखना कि वो उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी पर करे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ाए थे नेचर, फीचर और करेक्टर स्केच। क्या क्या था फटाक से देखेंगे। आइए रिवीजन के अंदर नेचर में सबसे पहला था डायरेक्टिंग, इनिशिएट एक्शन, दूसरा कंटिन्यूइंग फंक्शन, तीसरा टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, फोर्थ फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लिखने वाला है। 5 हो गए, 4 और 5। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ह्यूमन एलिमेंट, ये हमने नेचर पढ़े थे। देखिए, डायरेक्टिंग इनिशियल एक्शन, एक्शन की शुरुआत करता है, कंटिन्यूइंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग हर स्टेप पे करना पड़ता है। ठीक, 5 5 मिनट में बदल जाती है डायरेक्टिंग, आपको बार बार करनी पड़ती है। टेक प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है। टॉप से बॉटम की तरफ आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से सबॉर्डिनेट लेवल मैनेजमेंट की तरफ आता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ठीक, और ह्यूमन एलिमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस, इसके बाद हमने पढ़ी थी इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस में हमने क्या पढ़ा था? ये
डिवीजन को साथ साथ करने से छोड़ना नहीं है टू इनिशिएट एक्शन to integrate employees effort means of motivation stability and balance facilitate जी हो गया हाँ सर हो गया ये रिवीजन हो गया देखो 5-6 मिनट लगे बस और रिवीजन पूरा हो गया ठीक देख लो एक बार फिर मैं इसे किताब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं रिवीजन हो गया हमारा हमने रिवीजन भी कर लिया आप लोग तो घर से करके आए थे मैंने घर से नहीं किया था तो मैंने आज कर लिया ठीक है आज की क्लास में हमने पढ़ना है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव अब आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं ठीक है देखिए आज की टॉपिक की हेडिंग बनेगी एलिमेंट ऑफ डिवाइस ठीक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव क्या होता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव एलिमेंट्स मतलब जैसे एक बैट है क्रिकेट बैट उसमें ग्रिप है ग्रिप के नीचे जो धागा पर थ्रेड बंधा रहता है थ्रेड है और आपने बैंड चढ़वा रखा है तो बैंड है ये सब उसके एलिमेंट्स हैं ठीक है समझ में आ रहा तो डायरेक्टिंग के भी अपने कुछ एलिमेंट्स हैं कितने एलिमेंट्स हैं वो चार कितने एलिमेंट्स हैं ठीक है कितने हैं चार अब चार कौन कौन से सबसे पहले सुपरविजन सबसे पहले सुपरविजन दूसरा मोटिवेशन दूसरा मोटिवेशन तीसरा लीडरशिप तीसरा लीडरशिप और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कम्युनिकेशन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कम्युनिकेशन अब आपकी क्लास इस फ्लो में चल रही है ठीक है इस फ्लो में आपकी क्लास को चल रहा है आज हम शुरुआत करेंगे सुपर लीडर से और देखते हैं कहां तक खत्म हो जाता है मैं कोई कमेंट नहीं करता मैं मेरे को अगर समय लगे जो टॉपिक पे तो मैं लगाऊंगा मैं ये नहीं कहूंगा आपसे एक बार चारों वाजिब पढ़ा दूं इस चारों के खत्म होते ही तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इजी चलेगा पहले मैं आपको ये समझा दूं फिर आगे आगे देखेंगे ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे सुपर ठीक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होते हैं डायरेक्टिंग के तत्व तत्व तो एलिमेंट तो हिंदी जैसे साइंस का वर्ड है एक्चुअली मैं यहाँ पे एलिमेंट वर्ड कह रहा है जैसे ये डायरेक्टिंग के ना ये अंग है ऑर्गन्स हैं एक तरीके से डायरेक्टिंग के लिए डायरेक्टिंग इनके ऊपर बेस होता है डायरेक्टिंग यही होते हैं डायरेक्टिंग ठीक देखिए सुपरविजन कौन करेगा सर सुपरविजन करेगा सुपरवाइजर सुपरविजन कौन करेगा सुपरविजन करेगा सुपरवाइजर वही मोटिवेट करता है ठीक सुपरवाइजर कैन बी अ लीडर और सुपरवाइजर ही सुपरवाइज भी करता है मेरी बात समझ आ रहा है सबॉर्डिनेट लेवल सबॉर्डिनेट लेवल में ठीक तो सबसे पहले हम सीखेंगे सुपरविजन क्या होता है ठीक सुपरविजन शब्द सुपरवाइजर से बना है जो सबॉर्डिनेट्स पे किया जाता है ठीक क्योंकि उनको सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है बिकॉज वो
बिल्कुल करंट में लिंक की होते हैं प्रोडक्शन से. कौन? प्रोडक्शन यूनिट जो होती है आपके, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत लो लेवल, सबऑर्डिनेट लेवल पर, जिनका काम प्रोडक्शन करने का होता है, वो लोगों को सुपरवाइज करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है. ठीक है, क्योंकि आप मेरी बात समझिए, मैनेजर एक आधी बार दिन में नीचे उतर के आएगा काम को देखने के लिए, लेकिन सुपरवाइजर चक्कर लगाता रहेगा. मेरी बात समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि सर आपका जो काम है ना प्रोडक्शन का, क्या पता कब कोई दिक्कत आ जाए, इसीलिए उसमें पल पल में डायरेक्टिंग करी जाती है. ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा के हेडिंग बनाऊं सुपरविजन. आपको समझ में आ रहा है कहां की तरफ शुरू कर रहे हैं? हां सर, मुझे समझ में आ रहा है. आप इसे मिटा सकते हैं और आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सुपरविजन. सबसे पहला पॉइंट क्या है? सुपरविजन. ठीक है, आइए देखिए सुपरविजन के अंदर. सुपरविजन मींस, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग. मैं सर ब्लैक से इससे क्लियर नहीं दिख रहा. मुझे ब्लैक से इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, अभी आगे मैंने देखा था मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्व. ठीक है, ठीक है. अब देखिए सुपरविजन एक्चुअली में है क्या. ठीक, मैं आपको बात बताता हूं. आपको पता है सुपर का मतलब होता है, सुपर का मतलब होता है अबव, और विजन का मतलब होता है देखना, सी. ठीक है, सुपर का मतलब होता है अबव और विजन का मतलब होता है देखना. तो सुपरविजन का मतलब क्या? सीइंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड अबव. मतलब सीइंग द, देखिए मैं लिख देता हूं, सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज over and above. ठीक, मतलब उन employees के ऊपर रहकर ये देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? supervision. supervision के अंदर आप instruction देते हैं, उन्हें guide करते हैं, उनको monitoring करते हैं, देखते रहते हैं हाँ सब सही चल रहा है, उन्हें observe करते हैं. ठीक, ऑब्जर्व करने और मॉनिटरिंग में क्या फर्क है? मॉनिटरिंग में होता है सिर्फ देखना, जैसे मैंने आपसे कहा जाओ और वहां से जाओ, जाओ ले जाके इसे वहां स्टूल को रख दो. ठीक, तो तुम गए और तुमने स्टूल ले जाके वहां रख दिया. मैं पीछे से गया, मैंने देखा स्टूल वहां रखा है, हाँ ठीक है. ठीक, ऑब्जर्विंग क्या होता है? मैंने आपसे कहा आप ले जाओ इस स्टूल को और वहां रख दो और मैं आपको देख रहा हूं ऐसा करते हुए. ठीक, इसे कहते हैं ऑब्जर्विंग. ठीक, आप बहुत बारीक बारीक ऑब्जर्व कर रहे हो. मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, मतलब 15-20 मिनट में एक बार भी देख लिया तो ठीक है. ऑब्जर्विंग में आदमी ऑब्जर्व करता है, कोई नया टास्क देने से पहले आपको ऑब्जर्व किया जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. और मॉनिटरिंग क्या होता है? आपको काम बता दिया है, बाकी चेक करना है कि आप काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक, आगे सुपरविजन का मतलब होता है, सुपर का मतलब ओवर एंड अबव और विजन का मतलब सी देखना, ओवर एंड अबव देखना. आइए इसका एक डायग्राम मेरे पास है, मैं बना दूं आपके लिए. हाँ सर बना दो. लो चलो और देखो, मैनेजमेंट सुपरवाइजर
और यहाँ कौन होगा सबॉर्डिनेट, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हम मेरी बात को समझ गए। मैनेजमेंट सुपरवाइजर को प्लान्स बताएगा, पॉलिसी बताएगा और इससे कौन मैनेजमेंट सुपरवाइजर के लिए प्लान्स और पॉलिसी बताएगा, फिर सुपरवाइजर उसी प्लान और पॉलिसी को सबॉर्डिनेट्स को बताएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर हमारे समझ में आ रही है। जबकि कंप्लेंट्स सबॉर्डिनेट बताएगा और सुपरवाइजर उसे आगे लेके जाएगा। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। अब देखो, हम मेरी बात को समझो। मैनेजमेंट इसको सुपरवाइज करता है, सुपरवाइजर इसको सुपरवाइज करता है, ठीक। इस डायग्राम में सुपरवाइजर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरवाइजर कोई एक बंदा होता है, ठीक, और दूसरा नहीं होता। नहीं, एक बी को देखेगा कि काम सही हो रहा है और बी सी को देखेगा कि काम सही हो रहा है। मेरे पास समझ रहे हैं? तो सी के लिए बी सुपरवाइजर है और बी के लिए ए सुपरवाइजर है, ठीक। सुपरवाइजर का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई एक इंडिविजुअल बंदा। मैंने माना कि इसको फैक्ट्री वगैरह से लिंक किया जाता है, लेकिन इसको ऐसे जोड़ा नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ तो मैनेजमेंट अपने प्लान और पॉलिसी सुपरवाइजर को बता देता है, सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट को बता देता है, ठीक। अथॉरिटी कहाँ आती है? टॉप से बॉटम। और कंप्लेंट्स कैसे आती है? बॉटम से टॉप, ठीक है। हाँ सर क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की, जिसके अंदर मैंने अभी आपको पढ़ा है सुपरविजन। क्या पढ़ाया है? सुपरविजन। मेरी बात क्लियर हो गई आपकी? देखिए मैं बिल्कुल भी तेजी नहीं कर रहा, आप और आराम से समझ सकते हैं। इसी में बोर्ड को कुछ मिटाता नहीं देते हैं। सुपरविजन मतलब, सुपर मतलब ओवर एंड, ये लिखो ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव। विजन मतलब देखना, सीइंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव, ठीक। ये हो गई सुपरविजन के लिए आपके लिए डेफिनेशन, अगर आप चाह रहे हो। ठीक, और सुपरविजन के अंदर क्या आता है? इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडिंग करना, मॉनिटरिंग करना और ऑब्जर्विंग करना, ठीक ठीक है, ठीक है सर। तो सुपरविजन पे छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, आपको समझ में आया सुपरविजन? हाँ सर हमें थोड़ा थोड़ा सुपरविजन समझ में आया। तो अब आप सुपरविजन के बारे में लिखेंगे? हाँ सर हम लिख देंगे। मैं क्या बताओ क्या लिखेंगे सर? सुपरविजन मतलब to supervise and seen the activity of employees over and above under supervision. Supervisor directs instructions, guidings, monitors and observes. ठीक, बढ़िया। तो आप सही समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे, अब मैं इसकी supervision की आपको importance पढ़ा दूँ? हाँ सर हमें आप इसकी importance पढ़ा दो। हेडिंग बनाइए मेरे सर, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, पहला है एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। सुपरविजन एंश्योर्स issuing of instructions, ठीक है। हाँ सर ठीक है। देखो इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं? इंस्ट्रक्शन देने को डायरेक्टिंग कहते हैं सर, लेकिन इंस्ट्रक्शन देगा कौन? सुपरवाइजर। कौन देता है? सुपरवाइजर मतलब अपने से ऊंचा बंदा, ठीक।
ठीक, हमसे ज्यादा अथॉरिटी वाला बंदा हमको इंस्ट्रक्शन देता है और अंडर सुपरविजन ये बात क्लेरिफाई करा दी जाती है कि आपको कोई इशू हुआ है इंस्ट्रक्शन, ठीक, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, गाइडेंस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है मैजिक टू क्या है, वैसे इतना छोटा छोटा बात नहीं है, याद कर लीजिए टॉप लेवल मिडिल लेवल ये सब बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, सब और लेवल टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्ट करता है और मिडिल लेवल सबॉर्डिनेट लेवल को इंस्ट्रक्ट करता है, तो एंश्योर करता है सुपरविजन कि हाँ इंस्ट्रक्शंस जारी है। एक्चुअली में थ्योरेटिकली कहने को डायरेक्टिंग कहते हैं और प्रैक्टिकली करने को सुपरविजन, थ्योरेटिकली कहने को डायरेक्टिंग कहते हैं और प्रैक्टिकली करने को सुपरविजन, कैसे मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शंस इशू कर दो अंडर डायरेक्टिंग, ठीक है सर, कर किसे दें, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन दें किसको, ठीक, कि हमारी बात आगे पहुंचा दो, तो जिसको हम बोलेंगे उसके लिए हम सुपरवाइजर, फिर हमसे जिसको बोला वो जिसको बोलेगा उसके लिए वो सुपरवाइजर, मेरी बात समझ आ रही है, हाँ अब समझ में आ रही है, तो एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ऐसी छोटी छोटी बातें आप अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है, हाँ अगर आपको याद हो रखी है तो बहुत बढ़िया। आगे फैसिलिटेट कंट्रोल, फैसिलिटेट अपने बात को समझिए कि मैं आपसे अपनी स्कूल प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, फैसिलिटेट कंट्रोल ये बना दिया मैंने आपका सुपर दिखाना कुछ भी दिखा और मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग कहेंगे कि हमारा सुपरवाइजर कुछ कर रहा है, ठीक है, ये सुपरवाइजर बना दिया मैंने आपका, अब मेरी बात को बताओ, ये सुपरवाइजर ये सब कौन है जिन्हें ये कंट्रोल करेगा, सबॉर्डिनेट्स जिन्हें ये कंट्रोल करेगा सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, ये बात समझ आ रही, हाँ सब आ रही, सबॉर्डिनेट्स ये सब कौन है, सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, अब ये इन पे करेगा सुपरविजन, क्या करेगा सुपरविजन, अब एक बात इनके दिमाग में एक आइडिया है और वो आइडिया क्या है, प्लान, प्लान का मतलब कि वो आइडिया इनको टॉप लेवल ने पहले से प्लान करके दे दिया है और जो सबॉर्डिनेट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, वो होगा एक्चुअल, क्या होगा एक्चुअल, हम मेरी बात को आप बताओ कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, ये कंट्रोल को फैसिलिटेट करें, ये एक्चुअल से प्लांट को अचीव करने की कोशिश करें, सुपरविजन, सुपरविजन के अंदर हम मैच करते हैं अपनी प्लान परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि कितना हमने सोचा था कि हम उसमें कर देंगे और कितना एक्चुअली में हम कर पाए, ठीक, और इसी को कहते हैं मॉनिटरिंग, इसी को कहते हैं मॉनिटरिंग, देखिए यही तो कर रहा है मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, हाँ सर हमें समझ में आ गया है, अब अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ सकते, ठीक है, समझ बात समझ, सुपरविजन की अगर इंपॉर्टेंस आपको अच्छी तरह एक बारी में याद करनी है ना, तो ऐसे याद करो कि एक सुपरवाइजर है, ठीक, जो कंट्रोल कर रहा है आपको, ठीक, एक सुपरवाइजर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको इशू कर रहा है गाइडलाइंस, कुछ कुछ आपको लगेगा कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर जैसा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, कोई बारीक फर्क है इसके अंदर, वो अभी पता चलेगा जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ठीक है, देखो तो पहला सुपरवाइजर हमें इशू करता है इंस्ट्रक्शन, सुपरवाइजर हमें कंट्रोल करता है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा लो, मैं सोच ही रहा था कि आएगा कैसे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुपरविजन के अंदर अब
काम को और बखूबी करेंगे, ठीक है, अब आप काम को और बखूबी करेंगे, और दूसरी बात सुपरविजन के अंदर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम वेस्ट होंगे, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर आपसे बेहतर एक बंदा आपको गाइड कर रहा है, आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है, ठीक, कहीं भी कमी होगी तो वो बता देगा, वो आपको लीड करेगा, सुपरवाइजर। तो सुपरविजन के अंदर सुपरवाइजर कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट होने देता है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। देखिए डायरेक्टिंग का तो टॉपिक यही था कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ाई जाएगी थ्रू सुपरविजन, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गया मेरे को? हाँ सर, ये हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा सर बता देंगे, एक पॉइंट और आ जाएगा, देखिए इस पॉइंट में कुछ याद करना पड़ा नहीं, सिर्फ लिखने ही बात है। डिसिप्लिन, क्या पॉइंट है? डिसिप्लिन। सुपरवाइजर के आने से सब लोग काम पे टाइम पे आएंगे, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोलिंग कर रहा है ना सर, वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर जब आप लोग लेट आएंगे, काम पे ध्यान नहीं देंगे, तो जो हार्ड स्टेप उठाने चाहिए वो उठाएगा, ठीक, फिर सब लाइन पे काम पे आएंगे, जैसे आपके स्कूल में होता है, आपको वॉच किया जाता है, आपकी एक्टिविटीज को वॉच किया जाता है, और जब फिर आप ऐसा काम नहीं करते तो आपको मोल्ड किया जाता है वैसा काम करने के लिए। भूल गए क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? हाँ सर हमें याद आ रहा है। तो हमने अभी चार पॉइंट पढ़े, अभी इसके रह गए हैं, पहले बताइए चार पॉइंट आपके आगे दिमाग में? हाँ सर आप इन्हें बिठा दो, आप हमें और आगे बता दो। चलो मैं इसे बता दूंगा, मैनेजमेंट सुपरवाइजर। हाँ अब क्या बोल रहे हो, अब तो मैं लिखी रहा हूँ, आओ देखो मेरे साथ, कोई बात नहीं, सब बोल रहे एग्जाम्पल बनाया था ना मैंने, तो मैंने कहा था ये इन्हें प्लान्स बताते हैं, ठीक, लेकिन ये इन्हें क्या पहुंचाते हैं? कंप्लेंट्स। क्या पहुंचाते हैं? कंप्लेंट्स। क्या पहुंचाते हैं? कंप्लेंट्स। तो अब आप मुझे बताइए वर्कर्स से डायरेक्ट टच में कौन है? सर सुपरवाइजर। तो सबऑर्डिनेट्स को क्या जरूरत है, उनकी क्या नीड है, कौन बताता है? सुपरवाइजर। ये सबऑर्डिनेट्स अपने सुपरवाइजर को बताते हैं कि सर हमें इस चीज की नीड है, और सुपरवाइजर आगे मैनेजमेंट को, ये है साफ फीडबैक। क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। Improves communication, ठीक है। Discipline point अभी गुजरा आपके पास? हाँ सर Discipline आया। अब देखिए Discipline के आने की वजह से सारे subordinate बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो supervisor है वो एंश्योर करता है कि ऑर्डर्स जो टॉप लेवल से आए हैं क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, किसे? सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक। सुपरवाइजर जो गाइडलाइंस आती है, जो ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कम्युनिकेट करके बता देते हैं, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी चिट्ठी आई हो, आप सुपरवाइजर आपसे आपकी भाषा में बात करेगा और आपको बता देगा कि भाई ये काम करना है, तो आप तो बढ़िया हो जी, आपको काम पता है, अब तो आप काम पे लग सकते हो, ठीक है। छह पॉइंट हो गए,
एक पॉइंट और करा दें, करा दो सर, सेवन चलो सेवन इम्प्रूव्स मोटिवेशन, इम्प्रूव्स मोटिवेशन नहीं है एक्चुअली, वो सुपरवाइज मोटिवेट करता है, ठीक है। इम्प्रूव वाली वर्ड तो खैर ये मतलब नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मोटिवेट करता है सुपरवाइजर जब किसी को अच्छा काम करते देखते हैं तो वो उनको मोटिवेट करते हैं और वो उनसे कहते हैं बढ़िया आप और आगे बेहतर करो और बेहतर करने की कोशिश करो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमारे हमारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। देख लो एक बार, फिर मैं मिटा दूं इसे? हाँ सर बिल्कुल मिटा दो, बिल्कुल देरी मत करो आप इसे मिटा दो। अब हमें बताओ क्या हो गया? चलो सुपरवाइजर खत्म हो गया है, हाँ सुपरविजन खत्म हो गया। सुपरविजन जो टॉपिक था उसके अंदर आपको एक डेफिनेशन याद करनी थी और आपको याद करना था इंपॉर्टेंस, ठीक है सर। अब आप आगे में क्या सर? यहाँ पे बोलो सर, अब आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो? अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोटिवेशन, क्या बताने वाला हूँ? मोटिवेशन सर, मोटिवेशन सर सुना तो बहुत बार है लेकिन कभी सर करने मतलब जाना नहीं कि ये होता क्या है। आओ मैं चार लाइन लिखूंगा बस, यही मोटिवेशन है। आज टू डू समथिंग, क्या अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज का मतलब होता है इच्छा, किसी काम को करने के लिए जो इच्छा आती है उसको कहते हैं, ठीक है। विल यहां पर सही वर्ड है, विल अर्ज वर्ड कहते हैं, विल विल टू डू समथिंग या विल टू डू वर्क, काम करने की इच्छा को मोटिवेशन कहते हैं, काम करने की इच्छा को मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। आइए अब इसके अंदर आप क्या क्या बातें लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, आसान आसान बात लिखेंगे बिल्कुल, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, टू परफॉर्म टू देयर इसे कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब काम को करने की इच्छा को मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर मन में जोश आ गया, ठीक है, वो मोटिवेशन है, काम करने का मन कर रहा है, ठीक। कोई बॉडी बिल्डिंग वाली पिक्चर देख ली, सुल्तान जैसी पिक्चर देख ली तो कल से जिम जाएंगे, ठीक, ऐसा ये मोटिवेशन होता है। लेकिन ये मोटिवेशन दो दिन टिक पाता है, तीसरे दिन नहीं टिक पाता, क्यों? क्योंकि हम उस पर बने नहीं रहते, ठीक। ये हमारा इनर मोटिवेशन नहीं, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, टॉपिक से अलग, आपके सिलेबस से अलग, एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ आप लोगों से कि अपने मन में एक मोटिवेशन लिखिए, ठीक है। आप अगर अपने मन से जीतेंगे तो जीतेंगे और अगर मन से हारेंगे तो हार जाएंगे, ठीक। इसीलिए मन के अंदर मोटिवेशन रखिए, एक एम रखिए अपना इस समय 12th, और जुट जाइए उस काम के लिए, ठीक। आइए अपने टॉपिक में वापस आते हैं, मोटिवेशन मतलब आप किसी से इंस्पायर हो, आपको कोई इंस्पायर कर रहा हो, इंस्पायरिंग इंड्यूसिंग, लोगों को कहना कि भाई ये काम करो, ठीक। उन लोगों के मन में इस बात की इच्छा जगाना, उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन, ठीक है। आगे एक बात और बताऊंगा आपको, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फ्यूल, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, it cannot be forced on employees, ये employees पे forcefully नहीं डाला जा सकता, ये एक psychological phenomenon है, दिमाग में बैठता है, ठीक। ये automatically आता है employees के अंदर से,
आगे देखिए, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब दिमाग में बसता है, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि कौन कब अपने अंदर से मोटिवेट होकर काम करना शुरू कर दे, ये नहीं। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि भैया वो जो लोग थे वो तो भैया बहुत दुख तकलीफों में थे, वो मोटिवेट हो गए और आज के समय में उनका नाम। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नेगेटिव्स आ जाते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, कुछ पॉजिटिव्स को देख के मोटिवेशन मिलता है, मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे तो अंदर से जब एक बार आवाज आती है कि नहीं हमें ये चीज बेहतर करनी है और बेहतर करनी है, दैट्स द वे। ठीक, जैसे कोई भी काम आप करते हैं, ठीक, अगर आप आपको थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं उस काम को और बेहतर करने लगते हैं, ये एक मोटिवेशन है, ये ऑटोमेटिकली आया ना, ये ऐसे। हाँ सर, हमें समझ में आ गया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो फिर मैं आपको बता दूं। ठीक है, तीन चार पांच साइंस, एक है मोटिव, मोटिव का मतलब आपका एम और आपके डिजायर, दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेटर्स, ठीक है। ठीक, मोटिव आपका एक क्या है, मोटिवेशन पूरा प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रोसेस, ठीक, उसे मोटिवेशन कहते हैं। ये सब मोटिवेशन ही लिखा है सारे, और मोटिवेटर जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो मोटिवेटर। ठीक, अब तो बहुत, अब आप देखेंगे YouTube वगैरह इस पे मोटिवेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी उनको सुनकर। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, सबकी लाइफ में सबसे बेस्ट मोटिवेटर उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम आगे टॉपिक पे आए आपसे, मोटिव का मतलब आप समझ गए, मोटिव का मतलब होता है एम और डिजायर। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि उस पूरे फेनोमेना को, उस पूरे साइकोलॉजिकल फेनोमेना को जो एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट्स पर डाल रहा है उसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन। और जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो आपके लिए क्या है, मोटिवेटर, वो आपके लिए क्या है, मोटिवेटर। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है मोटिवेशन क्या होता है, आ गया आपके समझ में, तो आगे बढ़ सकते हैं। बता दो देखिए, पहला पॉइंट फीचर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन की फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। पहला फीचर, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, मोटिवेशन दिमाग में बसता है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है, हाँ सर, हमें समझ में आ गया, मोटिवेशन आपको दिखेगा नहीं, मोटिवेशन को आप छू नहीं सकते। ठीक, ये दिमाग में बसता है, मैंने आपसे कुछ बातें कही, अपने कुछ इंसिडेंट डिस्कस किए, अपने अप्स एंड डाउन्स बताए, आपको उससे मोटिवेशन मिली। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे अभी बायो आई थी महेंद्र सिंह धोनी सर की, सचिन तेंदुलकर सर की, इन लोगों की बायोपिक देख के कितने क्रिकेटर हैं जो अभी यूपी के लिए और हरियाणा के लिए खेलते होंगे, और अब उनके दिल में मोटिवेशन आ गया होगा कि हमें भी इस लेवल पे जाना है। ठीक, इसे कहते हैं मोटिवेशन, ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। ठीक, आपको इसको देख ही नहीं सकते कि बस चल रहा है दिमाग में। ठीक, ये एक इंटरनल फीलिंग है, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया वर्ड है, इसके अंदर आप वर्ड याद कर लो, क्या, इंटरनल फीलिंग,
इंटरनल फीलिंग है, नीड डिजायर एस्पिरेशन, ठीक है, इंटरनल फीलिंग। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मतलब अब एक बात बताते हैं, क्रिकेट खेलने वाला कोई युवा 18-19 साल का 20 साल का, वो क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट होगा कि फुटबॉल खेलने के लिए? अगर वो वीडियोस देखेगा तो क्रिकेट की देखेगा, ठीक, फुट, मेरी बात समझिए, मन को जैसे हमारा मन नहीं लग रहा तो कुछ भी देख लिया वो अलग बात है, लेकिन हर इंसान अपने करियर के लिए मोटिवेट होता है ना, या अपने करियर से अलग काम के लिए मोटिवेट होता है? आप मुझे बताइए, ठीक, एक शेफ जो खाना बनाता है, ठीक, उसके लिए मोटिवेशन खाना बनाने में आएगा, ठीक। अब उसको आप कह दें कि भाई काम करो, आप और हम चल के काम करते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक, तो उसको उस बंदे को, उस इंसान को उसमें मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसका गोल ही नहीं है। तो मोटिवेशन आपको जब होगा ही तो उससे आपको कहां खींचेगा? आपके गोल की तरफ, आपके एम की तरफ, ठीक। जब लोग आपके उस एम में जाते समय तारीफ करेंगे, आप और मोटिवेट होंगे। क्लियर है इतनी बात? हां सर, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, जो सबसे खतरनाक पॉइंट है इसका, सबसे खतरनाक पॉइंट है मेरी नजर में मोटिवेशन के अंदर कि नेगेटिव चीज नहीं देखा, कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे कुछ लाइव डिस्कस कर किया, छोड़ो, मैंने ऐसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो देखी और उस वीडियो में मेरे लाइफ के बारे में कुछ बात थी, गोल ओरिएंटेड बात थी, तो मैंने गोल देखा अपना करियर को लेकर के, तो मैंने मोटिवेशन ले लिया, मैंने कहा अब मुझे जब तक ये गोल अचीव नहीं कर लेना रुकना नहीं है, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव, मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, ठीक, मेरे से बहुत समय निकल गया, ठीक, मतलब फूल जरूर की बातें, फिजूल की बातें करेंगे, उसे नेगेटिव मोटिवेशन लेना है, कभी नहीं लेना नेगेटिव मोटिवेशन। लेकिन अब क्या करें, अब मोटिवेशन में है तो बता रहे हैं, मोटिवेशन आपको उदास भी कर सकता है, आपको मायूस भी कर सकता है, ठीक, आपको ये भी फील होगा कि हमने जो मतलब मैं बेहतर नहीं कर पाया, ठीक है, ये बात मेरे साथ गलत हो गई, ठीक, ऐसी बात है। आप पॉजिटिव कम, आप अपने गोल की तरफ जाने की बजाय आप जिस स्टेप पे हैं उसी स्टेप पे मायूस होकर बैठ जाएंगे, आप कहेंगे ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसी ऐसी बात, ठीक। दूसरा, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फोर्थ क्या है? मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक पॉइंट ये बात होता है, इसकी तरह बात ही खत्म हो गई। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी, ठीक, तो अब आपके समझाने में या किसी में कमी थोड़ी, ठीक, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा, अगर 10 लोग अच्छा कहेंगे तो 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं हमें ये बात समझ में नहीं आई, ठीक, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक, इतनी आसानी से मोटिवेशन नहीं हो जाता, ठीक, और 10 के 10 लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते आप एक साथ, क्यों? क्योंकि 10 के 10 लोगों को उनके डिजायर्स पर टच करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये बात लिखनी है इसके अंदर, क्यों ह्यूमन कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर को इंप्लीमेंट करता है। मैं अभी पिछली मान लीजिए कहीं और मैंने क्लास दी और उनको ये बात ज्यादा अच्छी लगी, वो लोग घर जाकर पढ़ने लगे, आप लोगों को लगी, आप उनसे भी ज्यादा पढ़ने लगे, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने वहां कम मेहनत करी, यहाँ ज्यादा मेहनत करी, बात बराबर है सब हर जगह, ह्यूमन बिहेवियर की बात, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट इज अ डायनेमिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। इज अ डायनेमिक आपकी ऐसा नहीं है कि एक दिन मोटिवेट किया आपने और आप जाकर बैठ गए,
कितने दिन चलेगा वो मोटिवेशन, इसीलिए मैंने अभी क्लास के शुरुआत में कहा था कि यहाँ से मोटिवेट हो, दिल से मोटिवेट हो, तो देखना बहुत ऊपर तक मोटिवेट रहोगे, ठीक है। तो क्या डायनेमिक मतलब, डायनेमिक मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है एग्जाम्पल्स को, और कंटिन्यूस मतलब आपको अपने मोटिवेशन के अंदर कंटिन्यू मोटिवेशन करना पड़ेगा लोगों को, मतलब दो चार दिन पांच दिन में जाके टच में रहकर उनको कीप इट अप बोलना पड़ेगा, हाँ भाई ठीक, यू आर यू कैन बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है, इसे मोटिवेशन कहते हैं डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस, ये को करना ही करना है। तो हमने पांच पॉइंट पढ़े, ठीक है, हाँ सर हमने पांच पॉइंट पढ़ी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सुपरविजन और मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन पे मैस्लो सर की थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं बिल्कुल ओवरबर्डन नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक। हमने जितना पढ़ा है आज उसकी क्लास का रिवीजन करते हैं, और आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। बता दूं आप लोगों को पूरी क्लास का रिवीजन देना है आज का? हाँ सर बता दूंगा। तो आपने क्या पढ़ा आज? सर हमने पढ़ा सुपरविजन। तो सुपरविजन कौन करता है? सर सुपरविजन तो सुपरवाइजर करता है। और सुपरविजन का क्या मतलब होता है? सर सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, और विजन का मतलब होता है देखना, सी, बिल्कुल सी। आइए इसी बात को लिख लें, आप लोगों के पास थोड़े से नोट्स बना दूं। सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन। अब देखिए सुपरविजन में आपने क्या पढ़ा? सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग मॉनिटरिंग, एक तो मुझे याद आ गया, ऑब्जर्विंग, ठीक है, और क्या लिखा था? मींस एंड सी द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड अबव, फ्रॉम ओवर एंड सुपरविजन क्या था? पहला था एनश्योर issuing of instructions, issuing of instructions, दूसरा facilitates control, optimum utilization of resources, discipline, feedback, discipline, feedback improves communication, लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। इसके बाद मैंने पढ़ा था मोटिवेशन, मोटिवेशन का विल
टू डू वर्क, काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं? मोटिवेशन। फिर हमने पढ़े थे मोटिवेशन के फीचर, क्या थे फीचर? साइकोलॉजिकल फिनोमेना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्चुअली मींस नो पॉइंट कंसिडर इन एज, तो ये पढ़ो, देखिए एक बार आप देखिए। हाँ सर, आप लोगों ने ये पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करेंगे थ्योरी जो छूट गई है, और सुपरविजन हुआ, मोटिवेशन हुआ, फिर क्या मेडिटेशन, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है? घर जाइए, पढ़िए लिखिए, ठीक है? और जितना हो सके पेपर की तैयारी कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए, सभी में नंबर अच्छे लाने, सभी के लिए मेहनत करनी, ठीक है? और कंसेप्ट मैपिंग कीजिए, ठीक है? हाँ सर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।